इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई है, जहां पर चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में दो फेज में इलेक्शन होने हैं। पहला 13 तारीख को वहां पर इलेक्शन होगी, पहले फेज का इलेक्शन, और दूसरे फेज का इलेक्शन 20 तारीख को होना है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया है। बताते चले हम आपको कि नोटिफिकेशन 18 तारीख को आना है, जो पहले फेज का इलेक्शन झारखंड में होगा वहां पर 18 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और पहले फेज के लिए नॉमिनेशन 25 तारीख को होगा। यानी कि 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएंगे, 25 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 25 तारीख के नॉमिनेशन के बाद 28 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लेने की तारीख का भी ऐलान हुआ है, वो 30 तारीख का है। यानी कि 30 अक्टूबर तक जिन लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसके लिए तारीख का ऐलान हुआ है और वो तारीख 30 तारीख की है। इसके बाद इलेक्शन जिस दिन पोल होंगे, यानी कि जिस दिन मतदान होंगे, उसके तारीख का ऐलान किया गया है और ये 13 तारीख का है। यानी कि 13 नवंबर को मतदान होंगे वहाँ पर, ये पहले फेज का है। और उसके बाद काउंटिंग 23 तारीख को होने वाली है, जो कि पहले फेज दूसरे फेज दोनों ही फेज की काउंटिंग होगी। दूसरे फेज की बात करें तो 22 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 22 अक्टूबर को, 29 तारीख को नॉमिनेशन होगा। जिन जिन विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए 29 अक्टूबर को कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करवा पाएंगे। वहीं पर अगर बात करें कि स्क्रूटनी कब की जाएगी, तो 30 तारीख को स्क्रूटनी होगा। वहां पर नॉमिनेशन में अपना नाम वापस लेने के लिए सेकेंड फेज में जिन विधानसभा सीटों पर इलेक्शन है वहां के कैंडिडेट अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो 1 तारीख को ले पाएंगे। दूसरे फेज में, यानी कि झारखंड में दूसरे फेज में जिन जिन विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होना है वहां के कैंडिडेट अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो 1 नवंबर तक ले पाएंगे। और उसके बाद अगर पोल की बात करें कि मतदान कब होंगे दूसरे फेज में, तो वो 20 तारीख है, 20 नवंबर को वहां पर मतदान होने हैं और पहले फेज दूसरे फेज की मतगणना 23 तारीख को होगी। यानी कि 23 नवंबर को मतगणना होगी और पूरा इलेक्शन 25 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, इनका जो महागठबंधन है, यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो चुका है। सार्वजनिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन एनडीए में अभी भी दावपेच चल रहे हैं। बीजेपी के साथ जेडीयू, दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, इन तमाम लोगों को सीटों का बंटवारा करना है। इन तमाम लोगों के बीच सीटों का बंटवारा होगा और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि कितने सीट दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर के मुताबिक जेडीयू को मात्र 2 सीट दिए जा रहे हैं, जबकि जेडीयू ने मांग की थी कि कम से कम हमको 11 सीट चाहिए। जेडीयू ने कहा था पहले ही, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हमें 11 सीट कम से कम चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम आपको मात्र 2 सीट देंगे। अभी इसके बीच दावपेच चल रहा है। जेडीयू की तरफ से जो वहां पर खीरू महतो, जो वहां के जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, 2 सीट में बात नहीं बनेगी, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें अभी राजनीतिक गलियारे में चल रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि किस दिन इलेक्शन होना है, नॉमिनेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, स्क्रूटनी कब होगी, और उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो कब नाम वापस ले सकता है। 2 फेज में इलेक्शन होने हैं झारखंड में। पहला फेज 13 को है, यानी कि 13 नवंबर, और दूसरा 20 नवंबर को। काउंटिंग 23 को हो जाएगी, 25 तक इलेक्शन खत्म ही हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा सब कुछ। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सीटों का बंटवारा होना बाकी, और जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फुशधार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ,
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।